प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आपका प्रभातखबर.com में स्वागत है। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन है, आप भी कोरोना से डर रहे हैं तो कुछ देर के लिए डर को छोड़िए। तमाम सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए गुरुवार की शाम का इंतजार करिए। गुरुवार की शाम सूर्यास्त के साथ ही दिल खुश करने वाला नजारा देखने को मिलेगा। जी हाँ, सुपर मून। दरअसल 7 मई को साल का आखिरी सुपर मून आसमान में देखा जा सकेगा। अप्रैल में सुपर मून देखने में असफल लोगों के लिए यह आखिरी मौका है। इस दिन चांद अपने सामान्य आकार से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। उसकी चमक आमतौर पर दिखने वाले चांद से काफी ज्यादा होगी। खास बात यह है कि 7 मई को साल का आखिरी सुपरमून दिखाई देने वाला है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप 7 मई को सुपरमून देखने से चूके तो फिर 27 अप्रैल 2021 तक इंतजार करना होगा। गुरुवार को दिखने वाले इस सुपरमून को वैज्ञानिकों ने सुपर फ्लावर मून नाम दिया है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने अप्रैल में दिखे सुपरमून को पिंक मून नाम दिया था। दरअसल सुपर मून का यूनिवर्सल टाइम सुबह के वक्त होने के कारण ही इसे सुपर फ्लावर मून कहा जा रहा है। सुबह का वक्त फूलों के खिलने का जो होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार सुपर मून देखने के लिए लोगों को काफी वक्त मिलेगा। 7 मई को दिखने वाले सुपर मून को गुरुवार से लेकर अगले दिन शुक्रवार तक देखा जा सकता है। चंद्रोदय और चंद्रास्त के समय सुपर मून का नजारा बेहद खास होगा। यह आकार में काफी बड़ा होगा और इसकी रोशनी भी सामान से काफी ज्यादा होगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर सुपर मून देखने का वक्त क्या है। वैज्ञानिकों की माने तो 7 मई को आसमान में दिखने वाले सुपर मून का ग्लोबल टाइम सुबह 6:45 है, लेकिन भारत में इसे शाम को 4 के बाद से देखा जा सकेगा। हालांकि सूरज की रोशनी में चांद को देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप परेशान ना हो, सूरज के डूबने के बाद सुपर मून का दिलकश नजारा देखने को मिलने लगेगा। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर सुपर मून से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं। दरअसल चंद्रमा की पृथ्वी से समान दूरी 4,06,692 किलोमीटर है। इसे अपोजी कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,56,500 किलोमीटर होती है। इसे पेरेजी कहते हैं। जिस समय चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम होती है, उसी दिन आसमान में सुपर मून का दिलकश नजारा देखने को मिलता है। सुपर मून के वक्त चांद अपने सामान्य आकार से ज्यादा बड़ा और चमकदार होता है। इस समय चंद्रमा आकार में 14% बड़ा और इसकी चमक 30% ज्यादा होती है। 7 मई को दिखने वाले सुपर मून को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखा जा सकता है। नासा समेत दुनिया की कई वेबसाइट्स ने लोगों को ऑनलाइन सुपर मून दिखाने का ऐलान किया है। तो आप भी साल के आखिरी सुपर मून को देखना ना भूलें। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।